पिछले दिनों ताऊ की सेना मतलब गुज्जरों ने आरक्षण को लेकर सारे रेल रूट जैम कर दिए। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात हुई, तो मिलते हैं आज श्री आरक्षण सिंह। हाँ जी, यही नाम है उनका। ये देखिए आगे। प्रणाम श्री आरक्षण जी, कैसे हैं आप? अरे बावड़ा होले है क्या तू? और थारे को दिखे कौन ही है? नहीं नहीं, दिख तो रहा है। मेरे कहने का मतलब है हवा पानी कैसा है? ऐसे हुआ हवा पानी को, हवा में अब भी हुक्के का धुआं है और पानी में रोज रात में देसी मिलती है। ये बताइए कि आरक्षण के लिए ट्रैक्स को जैम क्यों किया जा रहा है? लोगों को कितनी परेशानी होती है? भाई रे, परेशानी का ना पता है, पर ताऊ मतलब हम गुज्जर लोगों की बुद्धि तो ऐसी होवे, जहाँ हुक्का लेके बैठते हैं और वहीं जम जावे हम। तो फिर भी यार एक बार तो सोचना चाहिए ना। अरे मारी मोटी बुद्धि में सोचने की कोई जगह ना बनाई भगवान ने, और जे बात मतलब सोचने वाली है तू सरकार को बता कि सोचे आरक्षण देने के बारे में। अच्छा चलिए, ये बताइए कि विरोध के लिए ये रेल की पटरियां ही क्यों चुनिया? भाई रे, हमारे गांव की 100% जनता सुबह सुबह पटरियों के किनारे बैठती है, तो हमारे नेताओं ने सोचा कि इतनी भीड़ इकट्ठा करना कहीं और पॉसिबल ना है, गांव वालों का और हमारा दोनों का काम एक साथ हो जावे। बल्कि अब तो गुज्जर नेताओं ने एक फरमान भी जारी किया है कि आधी गांव की जनता सिर्फ शाम को ही लोटा लेकर पटरियों पर बैठेगी। अच्छा, मतलब विरोध के साथ गंदगी भी। अरे बावड़े, विरोध के साथ गंदगी ना, गंदगी के साथ विरोध। वैसे वो गंदगी ना है, हम खाद बनाते हैं, एक नंबर की खाद, जो वहां से उड़कर पटरियों के पास वाले खेतों में जाती है। देखिए, पटरियों को जाम करना गैर कानूनी है। ना जी ना, कोई कानून नहीं कहता है कि आप सोच के लिए खुले खेत में ना जा सकते हैं, और सरकार को इतनी चिंता है तो क्यों ना बना देती है हमारे घरों में टॉयलेट। ये टॉयलेट की बात कहां से आ गई? अरे हमारा विरोध इसी मुद्दे को लेकर के तो है भाई, घरों में टॉयलेट बनवाओ टॉयलेट। तो मतलब आपको पता नहीं है ना ही कि आपके गुज्जर नेताओं ने आप लोगों को बताया कि कौन से आरक्षण की बात है? देख भाई, हम सब गुज्जर एक हैं, हमारे नेताओं ने नहीं बताया कि विरोध किस बात का है, पर हमें मालूम है कि टॉयलेट के लिए ये आरक्षण होगा। अरे मोटी बुद्धि, ए के बोला रे तू? नहीं जी, नहीं नहीं, कुछ कुछ। और हमारे आरक्षण का एक और मुद्दा है, दूसरी किसी भी जात वाले को पटरी पर करने या धोने ना देवेंगे हम, जिसे देखो हमारे इलाके में आकर के करके चला जाता है। हम चाहते हैं कि 25% पटरियों पर लिखवा दिया जाए सिर्फ गुज्जरों के करने के लिए। इसका दिमाग खाली है और पेट खाली करने का रिजर्वेशन मांग रहा है ये चूतिया। और चलो दिमाग ना चाट हमारा, समझा के? मन ने बहुत जोर की लगी है, सुबह वाली मन ने धोनी भी है ना अभी। अच्छा हुआ कि हमने आपको स्टूडियो में नहीं बुलाया। तस्वीर बच गया। आप आराम से बैठिए, मतलब कीजिए, हम अपनी बुद्धि को शांत करते हैं। वी विल बी बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक विद सविता भाभी, गाइस। हाँ चलो।